आज का इंट्रो आपको इंट्रो वीडियो नहीं बनाओगी और कुछ भी नहीं करोगी। तो ढोल तो इधर है, उसमें क्यों डाल दिया? खराब हो रहा है, वो लीक हो रहा है, आप वही हरकत करी जा रही हो नेहा। वेरी गुड। लांडा पकाने लगी हूं। अपना आपने दिया था। मुझे एक गिफ्ट दिया था मेरी सालगिरह पे, हाँ शायद, हाँ बर्थडे पे जो है ना गिफ्ट दिया था एक पिक्चर। वो पिक्चर जो है ना मैं आपको आप लोगों को आज दिखाऊंगी, क्योंकि वो जो थी ना वो मुझे बहुत, मतलब है हमारी मंगनी की तस्वीर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे फ़नी लग रही थी। आप लोगों को दिखाती हूँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो पुराने ज़माने की लग रही हूँ और फ़ोटो भी कुछ ऐसी लग रही है। सो आप लोगों ने हंसना नहीं है, मैं आपको अपनी मंगने की फोटो दिखाने लगी, हमारी इंगेजमेंट की फोटो। ये है फोटो, और जिसमें जो है ना मैं बहुत ज़्यादा पुराने ओल्ड फैशन की लग रही हूँ, और ज़रा बैकग्राउंड उस मैंने थोड़ा सा चेंज करवाया है, पीछे एडिटिंग करवाई है, सो वो जो है ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। सो इस फोटो को निकाल देंगे हम बाहर, और हम दूसरी फोटो जो है ना तस्वीर जो है वो पिक्चर जो है ना वो डिवेलप करवाएंगे और हम इस फ्रेम में लगवाएंगे, क्योंकि फ्रेम अच्छा है लेकिन अंदर वाली फ़ोटो भी अच्छी है, लेकिन वो ज़रा थोड़ी सी ओल्ड हो गई है, तो हम इसको रिक्रिएट करेंगे न्यू फ़ोटो। ओके, और आज जो है वो पहली अफ्तारी है, और अभी अफ्तारी भी बनानी है, सो चलते हैं अफ्तारी बनाने। अभी जो है ना वो मैं सिर्फ उस्मान की अफ्तारी बना ली। चीज़ें आज का इंट्रो आपको इंट्रो करो ना इंट्रो कया तो है INTRODUCE इंट्रोड्यूस Hey guys, welcome back to my channel. उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो अभी जो है ना मेरे मुंह पे थोड़ी सी हंसी इसलिए आई है क्योंकि मेरा चार्जर चल चुका है, क्योंकि सुबह से जो है ना वो मेरा चार्जर चल ही नहीं रहा था। जब से मैंने लगाया हुआ था, मामा के घर गई थी सुबह से, मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, और मैंने कह दिया था जब तक मेरा चार्जर नहीं आएगा नया, या मेरा चार्जर नहीं चल रहा तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। इसलिए चल रहा था कि मेरा चार्जर लगा हुआ सारे उसके, देखो टच करना सिम चार्जर उसे, तो खराब चीज अक्सर सही चीज से सही हो जाती है। लो बंद, अब मैं आपको बता दूं क्या होता है, क्या हुआ सारा दिन क्या हुआ। मैं मेरे साथ ये हुआ कि मैं जो है ना वो कल सहरी में, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, इससे ज्यादा पैसे मेरे पास है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। कल रात को जो अफ्तार सहरी के बाद जो है ना मेरा चार्जर चलना बंद हो गया था, वो कहीं पे भी नहीं लग रहा था और मैंने जो है ना वो एक दो मोबाइल पे चला के देखा, लेकिन वो फिर भी नहीं चला, और क्या कहते हैं चार्ज लग रहा था लेकिन चार्ज हो ही नहीं रहा था फोन। तो मैंने पूरा दिन जो है सुबह उठी, मैंने कहा चलो लगा के देखती हूँ, फिर भी नहीं चला। उसके बाद मैं मामा के गई, तो सुबह ही मैं चली गई थी 12 बजे, वहाँ जाके मैंने जो है ना अफ्तारी की तैयारियाँ की। आपकी क्यों मछली तड़प रही है? तो मैंने जो है ना वो अफ्तारी की तैयारी की, और जो है ना मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वीडियो बना ली थी, क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 7% चार्जिंग थी। तो मैंने जो है ना 7% चार्जिंग थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके जो है ना वो वीडियो बना ली। सो अभी जो है ना वो उस्मान का भाई जो है वो मैं उसका चार्जर मैंने लिया, तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा चलो अपना लगा के देखते, तो मैंने वो लगाया और साथ ही मेरा चार्जर जो है ना वो चल पड़ा,
और मैंने उससे जो है ना वो थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया। सो अब मैं थोड़ा सा खुश हो गई और इसी चक्रों में सांस लो। आंखें क्यों सांस अटक गई है? नो। तो मैंने जो है ना अब जाके जो है ना अपना मोबाइल चार्ज किया क्योंकि उस्मान उठता ही नहीं है, लेट इतना लेट उठता है और मुझे पता था मेरा चार्जर नहीं आएगा, इसलिए मैं उदास थी बहुत ज्यादा। ऐनक पहनने की जरूरत नहीं है रात बत्ती किसने बंद कर दी। तो मैं जो हूँ ना क्या कहते हैं अब मेरा चार्ज मोबाइल जो है ना वो चार्ज हो चुका है, 60% चार्ज हो चुका है। फटाफट मैंने शूटर चार्ज कर लिए और अब जो है ना वो सैड़ी बनाने का टाइम हो गया, इसलिए मैंने कल सैड़ी में कपड़े पहने थे, आपको याद होगा। आप मुझे ये ना कहिएगा कि मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। सो अभी जो है ना कल हम चेंज कर लेंगे कपड़े, तो आज का रोज़ा हम लोग गुजार लें, मतलब सैड़ी आज गुजार लेंगे और फिर जो है ना कल कपड़े जो है ना वो चेंज कर लेंगे। ओके, बुरा कमेंट कोई ना करे, मेरे पास कपड़े हैं मेरी अलमारी में, मैं आपको दिखाऊंगी। और वैसे भी ये तो सामान के कपड़े हैं, सामान के पास बहुत कपड़े हैं, तो मैं थैंक यू तो मैं हर रोज नया सूट शर्ट पहनती हूँ। दरवाजा खोलो, मैंने भी सैरी करनी है। खोलो, हम लोग जा रहे हैं लस्सी बनाने के लिए। हमने लस्सी नहीं बनाई, अच्छी भी तो सेमियां बनाई थी, मुझे सेमियां लस्सी नहीं बननी, दूध रू अफजा बनेगा। नहीं वो तो अफतारी में बनता है। ओ नहीं भाई, सेमियां के सेमियां कैसे बनती है मैंने मामा को बता दिया था, लेकिन मामा ने बोला ऐसे नहीं बनाते। तो अब हम चलते हैं लस्सी बनाने। ढोल बुला आ गया गाइस, चलो नाच के दिखाओ। तो ढोल तो इधर है। अब हम लस्सी बनाने हैं, हमने चीजें डाल दी फुल कर दिया आपने। चलो निकालो, इसमें डालो ना यार, ये साफ तो कर लू। साफ ना करो, पुट इन द माउथ, अदा करो, पुट इन योर माउथ। इट्स नॉट ओके, आपको तो बाथरूम में ना जाने दे बंदा। अपनी खैर मनाओ, मेरी मामा तो मुझे जान ही देते थे। आपके गले को क्या हो गया? चीख रही है, हैं? ये लीक कर रहा है, इसमें ना बनाओ, खराब हो गया। ये लीक कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये खराब हो गया ना? हाँ। मेरा कोई कसूर नहीं, ये इसी का दोष है सारा। इसमें क्यों डाल दिया? खराब हो रहा है, वो लीक हो रहा है, आप वही हरकत करी जा रही हो रेहा। मैं जा रही हूँ, आप गुस्सा क्यों आ रहे हो? जाओ यहाँ से, चलो छुट्टी करो, चलो। उसमें लीक हो रहा है, उसी में डाली जा रही हो, कैसा प्रफुल्ल हुआ। मेरे व्लॉग में आज के बाद आप मत आना। आप भी ना आना मेरे पास। चीख रहे हो यार, आपकी अकल काम नहीं कर रही। बदतमीज, जाओ यहाँ से। आपने मेरे पे चीखा क्यों है? मैं आपसे बोलती नहीं हूँ। सुलह सफाई होने लगी है। मैं आपसे नहीं बोलती, आपने मेरे पे चीखा क्यों है? ओ बस, इतने प्यार से लस्सी बना रही थी, अब कुछ भी नहीं बनाऊंगी, याद रखना। 500 ले लो आपके लिए, तो मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो मुंह क्यों बनाया हुआ मेरे लिए? मेरे लिए वो तो जी तो नहीं बनाया। हुजूर अपने पैसे अपने पास रखो। ओके हुजूर, मुझे आपके 500 रुपए नहीं चाहिए। अब मुझे कहना था कुछ पकाओ, कुछ बनाओ। वो बेटे गर्म होता है, इसको ना खाना।
क्यों? मैंने टच भी नहीं किया। आज के बाद आपने मुझे कहा ना कि कुछ बना के दो, कुछ देख दियो और दियो ओ, सनी देओल होता है। अब तारी तो मैं आपको दूंगी नहीं, देखना जरा। अब आप बोलोगे और मैं चीखूंगी। मैं आपको कुछ भी दूंगी अब। ओ हेलो, पब्लिक ना देख रही होती तो मैं बताता, बच्चों को मैं जरूर नहीं करता। अब मेरी लस्सी मैं ही पीऊंगी। गेट लॉस्ट। कोई नहीं पिएगा। यू गेट लॉस्ट। यू गेट। सफाई करो। तुम मुझे कोई काम वरना नहीं रख के दिए, लोगों को पता चले इतनी प्यारी लड़की कितने काम करती है। वैसे प्यारी लड़की वाला आपने बिल्कुल सही कहा, झाड़ू भी मारती है ऊपर से कुछ। इतनी प्यारी लड़की, देखो मैं सबको दिखाता हूँ। साइड पे दो थोड़ा। अंदर ये रोटी पका ली है। खाओ। ये देखो आपकी रोटी का पेड़ा। आपकी रोटी का पेड़ा मैंने बना लिया है, आपको इसकी रोटी बना के दूंगी छोटी सी। मानती जाने के लिए पागल हो गई है। ओ हेलो, हम छोटा थे ना, हमारी मामा हमें साइड पे जब रोटी बनाती थी हमें थोड़ा सा आटा देती थी। रोटी पका ली छोटी सी। कल तो आपने भी लोगों को दिखाया नहीं कि मैंने रोटी पकाई। आए क्या है रोटी पूरी करी, इसको तवे पे डाली। तेन मौज करा वा। चलो आखिरी सांसें कब तक चलती रहेंगी इस बेचारी की। वेरी गुड, रोटी बन गई है। रोटी कम डोनट ज्यादा लग रहा है। ओह माय गॉड, प्रीटी रोटी, कभी आपने ऐसी रोटी देखी है? नहीं, और देखना भी नहीं चाह रहा मैं। देखते भी तो हैं। ओ वाह, ऐसी शेक है ना। ओ वाह, छोटी सी रोटी बनी। माता जी आप यहाँ पे, तो बाहुबली कहाँ पे? ये आपके लिए, आप छोटे हो ना। आप घर के सबसे छोटे अफराद, तो आपके लिए सबसे छोटी रोटी बन गई है। ऊपर देखो, नीचे देखो। रोटी तैयार हो गई है, जाओ छान बुरे में डाल के। ये देखिए मेरा मास्क, जब भी मैं जाऊंगी। बेटा ये गरम तवा है, आंख पे लग गया ना तो लग पता जाएगा। ये है, चिमटा पकड़ो इसे। ये आपकी रोटी पक गई है, खा के देखो अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो। इसको पका लो। मैं तो आ जाऊंगा रोज। यार मैंने सही रोटी पकाई, छोड़ दिया है वापिस आ गया मेरी रोटी खाने। अगर रोटी खाओगे तो फिर अंदर जाने दूंगी, वैसे नहीं जाने दूंगी। खाओ इसको, मेरे हाथ से खाओ ना। वसीयत का पेपर तो ला दो। इतनी सी खाई तो इतनी सी यार जल्दी खत्म हो जाएगी ना। शहरी में क्या खाऊंगा बताओ, कहाँ से खाई है मैंने? यहाँ से खाई है, थोड़ी सी खाई है आपने। पूरी खाओ ना, ये पूरा तुम्हारा खाओ, फिर मैं आपको मानूंगी। खाओ खाओ इसको, खाओ ये खाओ ना प्लीज। सालन तो लेकर आओ उसका, जाके जाओ सालन गर्म करके। ढोल बना के ले गई हूँ। ढोल बना के लेकर चाबी मेरी बाइक के ऊपर है, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं आपके लिए दरवाजा बंद कर देती हूँ। बाहर ही रहो, मेरी रोटी खाने से जो मना करेगा वो घर में नहीं घुसेगा। कौन? मैं तो पाकिस्तान की तरफ से हूँ। पहले रोटी खाओ।
आओ खाओगे तो अंदर आओगे। मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछना चाहोगे? नहीं एक दो नहीं मैं पूछना पूछ लो आपके लिए रोल बना के लेके दरवाजा तो खोल दो रोटी नहीं खाओगे ना अंदर भी नहीं आओगे शादी पे कितना तोला दिया है? कितना तोला दिया था शादी पे 150 तोला छुट्टी का बाय बाय आपको आने दे रही हूँ इसलिए क्योंकि सैरी का टाइम हो रहा है वरना बिना सैरी के आपको रोजा खो सैरी के रोजा रखना ठीक है ठीक है रोटी खा लो लेकिन थोड़ी सी वो खा गए यहाँ पे उस्मान अंडा बनाने लगा है आपको क्या लगता है जल्दी टूटेगी टूट जाएगी मुझे आप पे भरोसा नहीं है नहीं दो ही घंटा में और पूरा के तोड़ दे पे हो पूरा तोड़ो ना पूरा और तोड़ दो तोड़ से मारो बस अब आप इसको आराम से तवे पे डालें अच्छा ओके अब आपने इसको फ्राई करना है ठीक है चले आपका अंडा तैयार हो गया अब मैं अपना वाइट अंडा बनाऊंगी ठीक है मैं देसी अंडे नहीं खाती हम लोगों ने जो है वो सहरी वगैरह कर लिया और अब हम लोग जो है ना वो काम करने लगे मेरा चूड़ा कहाँ चला गया सो अभी जो है ना हम लोग काम करने लगे और फिर हम लोग सोचेंगे और फिर कल मिलेंगे अफ्तारी में अभी के लिए बस इतना ही बाय बाय.